everyone, I'm Sandeep Benz. I hope guys you all are well. Welcome back to my channel. मेरा जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिट मी फाउंडेशन का क्या टेक्सचर है, फिट मी फाउंडेशन का क्या प्राइस है, फिट मी फाउंडेशन कौन सा नंबर कौन से स्किन टोन पर जाएगा, ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी. पहले मैं इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी और एंड में मैं आपको किस तरह से हमें फिट मी फाउंडेशन को यूज करना है और किस तरह से सेट करना है. एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया है. फिट मी फाउंडेशन है, इसमें पूरे के पूरे 40 शेड हैं. हर एक स्किन टोन के लिए डिफरेंट फाउंडेशन. मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा फिट मी फाउंडेशन का, जिसमें कि बताया जा रहा था कि 40 शेड हैं. जिन लोगों को मेकअप के लिए एक्चुअल में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती, पहले मैं भी इसी तरह किया करती थी. हम एक्चुअली देखते हैं और फिट मी फाउंडेशंस हैं, हाँ, उसके साथ ऐसा ग्लो मिल जाता है. देन हम बिना शेड नंबर के हम उसे ऑर्डर कर लेते हैं, बट हम अपने स्किन टोन को नहीं देखते हैं. ये फाउंडेशन है, ये फेयर स्किन टोन के लिए है और इसका जो नंबर है 220 नेचुरल बेस. बॉटल की बात करूं तो अच्छा फाउंडेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा परफेक्ट फाउंडेशन है. ये बॉटल है, ये ग्लास बॉटल है. सेकंड, इसमें पंप नहीं है. सो इसे थोड़ा जब हम यूज करते हैं तो बैक ऑफ हैंड इसे यूज करना है. अपने आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप इसे यूज कर लीजिएगा. और मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको देखना है कि इसे किस तरह से सेट करना है देन आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक छोड़ दूंगी. स्किन टोन के हैं, मैं वहां इसे यूज कर सकती हूँ. बट इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें पंप नहीं है, ये ग्लास. अगर हमारे हाथ से ये बॉटल गिर जाएगा तो ये नॉर्मल सी बात है, ये बॉटल टूट जाएगा. तो आपको इसे बहुत ध्यान से रखना है. और ये पॉकेट फ्रेंडली है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो नॉर्मल आप इसे पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा वेट नहीं. तो ये बोतल है वो है 30 ml का. सो जो फेयर कॉम्प्लेक्शन से हैं वो इस फाउंडेशन को यूज़ कीजिए. सो अब हो गई इस 220 की बात. नेक्स्ट जो मैंने अपना फाउंडेशन के साथ आज मेकअप किया है, हम करेंगे अब उसकी बात. ओके, तो ये मेरा जो स्किन टोन है इससे एकदम से मैच कर रहा है. सो मैंने ये फाउंडेशन लिया. मैंने इसे थोड़ा सा अपने यहाँ पर, अगर हम कोई भी फाउंडेशन लेते हैं देन हमें उसे यूज़ करके देखना है कि जो ये फाउंडेशन है हमारे स्किन टोन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. आपको थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है और अपनी इस जगह पर ट्राई करना है कि जो हमारा जो हमने फाउंडेशन खरीदा है एक्चुअली वो हमारे स्किन टोन से मैच कर रहा है या नहीं. जो ये फाउंडेशन है मेबेलिन न्यूयॉर्क से है और फिट मी फाउंडेशन जो मेरा स्किन टोन से मैच करता है टोन वो है 330 टॉफेट TOFFE. स्किन टोन मेरे कॉम्प्लेक्शन से मैच करती है देन आप भी 330 खरीद सकते हैं. जो मेरा स्किन टोन है, मैं मीडियम कॉम्प्लेक्शन में आती हूँ. जो मैंने अभी आपके साथ ग्लास बॉटल शेयर किया वो है 220 और वो आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज कीजिएगा. और जो ये फाउंडेशन है ये है ट्यूब में आता है, काफी अच्छा है. अगर गिर जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये टूट जाएगा और पॉकेट फ्रेंडली भी है. ये काफी लाइट वेट है और जो ये फाउंडेशन है वो भी नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है. अच्छे तरह से हमें पैक करना है इस फाउंडेशन को. एक्चुअली जो ये फाउंडेशन है वो मीडियम कवरेज फाउंडेशन है. अगर आपको चाहिए फुल कवरेज फाउंडेशन देन आपको दो बार इसे यूज़ करना है. पहले आप इसे एक अच्छी सी लेयर आप अपने फेस पर सेट कर लीजिएगा और देन थोड़ा सा फाउंडेशन फिर से लीजिएगा और फिर से इसे अप्लाई कीजिएगा और आपका जो फाउंडेशन है फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं, मीडियम से कुछ अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा. जो फिट मी है वो मीडियम कवरेज फाउंडेशन है. जो मैं इम्पोर्टेंट बात है ये है कि ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है. फिट मी फाउंडेशन है वो स्किन टोन और आपके जो टेक्सचर है उसे फिट करेगा. फाउंडेशन है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए. टिप्स के साथ आप
फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए, देन ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, डैम ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंज के साथ डैम डैम कीजिएगा और अच्छे से ये जो फाउंडेशन है आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे ब्लेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम सबसे नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट बात यही है, अगर आप फिट मी फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसे अपने स्किन टोन के हिसाब से ही यूज़ कीजिएगा। हर स्किन टोन के लिए इसमें जो 40 शेड्स हैं, हर एक स्किन टोन के लिए शेड्स अवेलेबल मैंने है। अपने फेस पर जो मेकअप यूज़ कर रखा है, एक्चुअली वो मैंने किया है फिट मी फाउंडेशन से। और जो मैंने ये मेकअप कर रखा है ये मैंने फिट मी फाउंडेशन के साथ ही प्रॉपर किया हुआ है, और मैं इसके साथ जो नेक्स्ट आगे आपके साथ वीडियो भी इस शेयर तरह से करूंगी। हमें फिट मी को यूज़ करना है और अपने फेस पर लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए किस तरह से हमें कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करना है। मैं सो अपने या यहाँ पर एक छोटा कार्ड भी मेंशन कर दूंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको कि जी आपकी कौन सा स्किन टोन है और आपको कौन सा फाउंडेशन खरीदना है, मैं पूरे का पूरा नंबर जो शेड नंबर्स हैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है वो है बेंस मेकओवर के नाम से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई देन आप मुझे अपना पिक्चर क्लिक कर सेंड कर सकते हैं, देन मैं आपको परफेक्ट शेड आपका बता सकती ये हूँ। फाउंडेशन है, दोनों ही फाउंडेशन अच्छे हैं, बट ये जो मैंने आपको बता दिया है कि ये लाइट है मेरे स्किन टोन से, ये परफेक्ट है मेरे स्किन टोन के हिसाब मुझे से। फिट मी फाउंडेशन को यूज़ किए हुए आई थिंक तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, तो पहले मैं आपको इसका पूरा दिखा देती हूँ कि मैंने यूज़ किया है और 2 घंटे हो गए हैं और इसका ये रिजल्ट है। मेरे पास ये दोनों फाउंडेशन अवेलेबल हैं, जो 220 नेचुरल बेज है फेयर स्किन के लिए, उसका प्राइस है 500, 550 है एक्चुअली, 9% ऑफ है तो आपको 500 का मिलेगा। और नेक्स्ट जो मेरा फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी 330, उसका प्राइस है 299। सबसे पहले हमें करना है फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र। हम फाउंडेशन को इसलिए यूज़ करते हैं हमारे फेस का जो टोन है वो इवन लगने लग जाए। हमारे फेस में दो तीन तरह के जो कलर हैं हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि जो हमारा फोर हेड है और माउथ के अराउंड यहाँ पर कुछ डार्क रहता है, और जो हमारे चिक्स हैं वो फेयर रहते हैं। एक्चुअली जो मीडियम स्किन और जो फेयर स्किन हर स्किन टोन में आते हैं सभी के साथ ऐसा होता है, फोर हेड और माउथ के अराउंड कुछ डार्क रहता है। अब मैं कर रही हूँ यूज़ प्राइमर। हम फाउंडेशन को इसलिए यूज़ करते हैं, हमारी फाउंडेशन के साथ स्किन है जो फेयर नहीं होती, स्किन हमारी इवन टोन हो जाती है। जब हमारी स्किन इवन टोन होगी तो हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी और शाइन करेगी। कुछ दिनों पहले मैंने अपना ये नया फाउंडेशन ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से, जो कि शेड नंबर है 330, जिसका प्राइस है 299। फाउंडेशन यूज़ करने से पहले मैं यूज़ करूँगी डर्मा पैलेट से जो मेरा करेक्टर है D30, मैं D30 को यूज़ करूँगी, और ये है ऑरेंज करेक्टर, डार्क और कुछ भी डॉट स्पॉट है इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशंस अवेलेबल हैं, लाइक लिक्विड फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन और पाउडर फाउंडेशन। जो ये डर्मा का प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ बेस, ये है क्रीम फाउंडेशन, और ये जो क्रीम फाउंडेशन होता है काफ़ी हद तक ड्राई होता है। ड्राई प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले हमारा जो फेस है हमें इस पर अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। जो मेरे फिंगर टिप्स पर बचा हुआ बेस है वो मैंने अपने आईलेट पे यूज़ कर लिया है। जो मैंने ये करेक्टर यूज़ किया है ये है ड्राई, बट जो मैं लिक्विड फाउंडेशन जो फिट मी फाउंडेशन है वो है लिक्विड फाउंडेशन। जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं वो हर स्किन टोन पर सूट करते हैं, चाहे वो ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, मीडियम हो, कोई भी स्किन टोन हो उस पर सूट करते हैं ऑयली फाउंडेशन। जब हमें प्रोडक्ट को फेस पर लगा लिया है उसे डैब डैब करना है, देन आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर है आपका, स्पॉन्ज है, उसे अच्छे से
पानी में डिप कीजिएगा, बाद में उसे स्क्वीज़ कीजिएगा अच्छे से, फिर अपने जो मेकअप है उसे ब्लेंड कीजिएगा। ये है फिट मी फाउंडेशन। ये लिक्विड फाउंडेशन है, जब भी हमें यूज़ करना है फाउंडेशन सबसे पहले उसे शेक करना है, ताकि जो भी फाउंडेशन है वो नीचे बैठ जाता है और जो कोई भी सीरम और ऑयल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। अच्छे से पहले आपको शेक करना है, देन आपको फाउंडेशन यूज़ करना है। जब तक मैं ये मेकअप ब्लेंड करूँगी तब तक मैं आपको ये जो स्किन टोन हमें कैसे पहचानना है और किस तरह से हमें शेड को करेक्ट करना है देन मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अंडरटोन चेक करना है। आप अपना अंडरटोन कैसे चेक करेंगे? जिन पर येलोइश जिनकी येलोइश अंडरटोन है उन पर गोल्ड जो ज्वेलरी होती है वो सूट करती है, और जो पिंक अंडरटोन में आते हैं उन पर जो सिल्वर ज्वेलरी है वो सूट करती है। आप इस तरह चेक करके आप देख सकते हैं कि आप कौन से स्किन टोन के अंदर आते हैं। अगर आप न्यूट्रल स्किन टोन में आते हैं तो आप पर दोनों सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लगेगी। ये मैंने मेकअप को पैक करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया है यहाँ पर। अभी मैं आपको शेड नंबर बताऊँगी, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं देन आप अच्छे से सुन लीजिएगा और उस शेड नंबर के हिसाब से ही अपना जो फाउंडेशन है चूज़ कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी आई शेडो, मुझे थोड़ा सा स्मोकी सा लुक चाहिए तो मैं ब्लैकिश शेड को यूज़ करूँगी, और मैं अपना जो आई लाइनर की तरह मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले तो आई शेडो को। ये ब्लैकिश आई शेडो मैंने पिक कर लिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है। एक तो ये आई शेडो ब्लैक है सो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और उसे बिल्डअप करना है। फिट मी फाउंडेशन में जैसे कि नंबर है 115, 130, 120 और 125 और 128, ये तो हैं फेयर स्किन के नंबर हैं, जो जिनके आगे 111 ऐड किया गया है वो हैं फेयर स्किन के शेड्स हैं। और नेक्स्ट जो मीडियम स्किन में आते हैं उनके लिए है 235, 220 जैसे नेचुरल बेज मेरे पास वो है, और 228, 310 और 230, 238 ये है मीडियम कॉम्प्लेक्स। और अगर हम थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं तो उसमें आते हैं 338 नंबर, 320, 330 और 332, 335। अगर आप फेयर स्किन टोन में हैं देन आपका जो शेड नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप मीडियम स्किन टोन के अंदर हैं देन जो आपका शेड नंबर है वो 2 से स्टार्ट होगा। अगर आप थोड़ा सा मीडियम से डार्क हैं देन आपका जो शेड है वो 3 से स्टार्ट होगा। इस तरह से आप अपना फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ स्मोकी आईज़ लुक क्रिएट करने के लिए पहले ब्लैकिश शेड को लिया है, और कुछ अभी तो ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, बाद में थोड़ा सा पिंकिश टोन में जाकर मैं थोड़ा सा शिमर शेड अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि जो ये इतना डार्क लग रहा है ये थोड़ा सा मीडियम सा हो जाएगा और अच्छा प्यारा सा लुक आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने अपने टीयर डक्ट एरिया में थोड़ा सा हाईलाइट किया है, और वही ब्रश को अच्छे से मैंने थोड़ा बैक ऑफ हैंड क्लीन किया है, और ये मैंने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा शिमर शेड ऐड किया है ब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए। हमने जो भी आई शेडो या कोई भी हाइलाइटर यूज़ किया है, जैसे मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए इस वाइट से शेड को यूज़ किया है, बाद में ब्रश में वही कलर अच्छे से ब्रो बोन पर लगाने के बाद अपना जो आईलिड पर आई शेडो है दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो ब्लैक हमने आईलिड पर आई शेडो यूज़ किया है वो कुछ डिफरेंट ना लगे, कुछ हार्श ना लगे। सो दैट्स वाई अच्छे से ब्रश को पीछे से पकड़ना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ उसे मिक्स करते रहना है। प्रोडक्ट को अच्छे से बिल्डअप करना है, ब्रश को बिल्कुल पीछे से हल्के हाथों के साथ पकड़ना है, और जो ऊपर हमने ब्रो बोन और आई शेडो जो भी यूज़ किया है अच्छे से उसे बिल्डअप करना है, ताकि कुछ हार्श टाइप ना लगे।
यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो रहा है जो मैंने अपने ब्राउ बोन और आई शेडो को यूज़ किया है। इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स करना है दोनों को। सो ये हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने क्यूपिड बो को हाईलाइट करूँगी, टिप ऑफ नोज़ को हाईलाइट करूँगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और हमें हाईलाइट करना है। नेक्स्ट वही ब्रश के साथ थोड़ा सा मैं काजल भी यूज़ कर लूँगी। सो ये भी हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर मैं पेंसिल के साथ अपने आईब्रो को फिल करूँगी। ये भी हो गया है फिल। नेक्स्ट जो मैं थोड़ा सा चिक बोन को हाईलाइट कर लूँगी। सेम पैलेट से ही मैंने शेड को यूज़ किया है, कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं। एक ही पैलेट से यूज़ किए हैं हाईलाइटर, आई शेडो एंड ऑल। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे लिप शेड। जो मेरा ये लिप शेड है ये है कलर 18 से, क्रिस्टल शाइन लॉन्ग लास्टिंग नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक। इसका जो नंबर है 23 और कुछ ब्राउनिश शेड में है। काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है, कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे ख़रीदा है लोकल मार्केट से। मैंने इसे लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। सो अच्छा लिपस्टिक है ये। और सो जो हमारा फिट मी फाउंडेशन 330 नंबर, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 18 ml। फिट मी फाउंडेशन काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं देन आप इजीली यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा और अच्छा ब्लेंड होने वाला फाउंडेशन है। नेक्स्ट मेरा जो मस्कारा रह गया था मैं मस्कारा यूज़ कर लूँगी। और इसके बाद मैंने किया है मेकअप फिक्सर का यूज़। सो इस तरह से आप अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं फिट मी फाउंडेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो मेरे नेक्स्ट अपडेट हैं आपको ईज़िली मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।